Hello, good morning dear students. I hope you all are fine. Today we will start comprehension passages. How to solve this comprehension passages we will learn in this video. So watch this video very carefully. Okay, let's start. First of all, we have to learn that the comprehension means unseen passages. आपको हेडिंग में अनसीन पैसेज भी दिया हो सकता है या फिर लिखा हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. वन ऑफ द सेम थिंग है ये. इसका मतलब क्या है कि जो पैसेज आपने पहले कभी ना देखा हो उसको आपने सॉल्व करना है. क्लियर? आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको रीड करके आपने उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा पैरा रीड कर लो. इतना जितना आपको पैराग्राफ दिया गया वो सबको रीड करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो. ठीक है, क्वेश्चन देखो पहले. चूज द करेक्ट आंसर. क्या है क्वेश्चन? इन हूज नोट्स वुड यू फाइंड दिस डायग्राम. कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम. उन्होंने बोला है कि किसने ऐसा डायग्राम बनाया था या बताया था इस डायग्राम के बारे में. आर्यभट्टा ने या सुश्रुता ने, हमें नहीं पता. अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट कर दो. मेनी सेंचुरीज एगो, काफी साल पहले, इंडिया वॉज अ होम ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड. घर था कुछ ग्रेट माइंड ऑफ पीपल का, हु हैड सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज. काफी बढ़िया डिस्कवरीज की थी जिन्होंने इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्पेस. स्पेस में एंड साइंस में काफी ज्यादा रिसर्च की थी, डिस्कवरीज की थी, नई नई खोजें की थी. इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज, काफी नए आइडियाज लेकर आए थे. दैट द वर्ल्ड हैड नॉट नोन बिफोर, ऐसे आइडियाज लेकर आए थे जो पहले नहीं पता थे हमें. यहां से ये पढ़ के हमें नहीं क्लियर हुआ इस चीज, इस डायग्राम के बारे में, तो छोड़ दो एक बार इस क्वेश्चन को. रीड आउट द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, सारा अगर पैराग्राफ पढ़ने लग जाओगे तो नहीं पता चलेगा. क्या पता इसका आंसर बिल्कुल लास्ट में पढ़ा हो, तो फिर कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन को रीड करना है. फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय सुश्रुता. मतलब सुश्रुता वाला, जहां पे सुश्रुता के बारे में पैराग्राफ होगा ना, उस पैराग्राफ में इसका आंसर होगा. नेम ऑफ बुक, बुक का नेम कहां पे है, देखो यहां पे. फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बताया था मैंने, एक्सप्लेन कर दिया आपको. नेक्स्ट देखो, आश्चर्य चरक्का के बारे में है, मतलब ये भी नहीं. सुश्रुता यहां पे, इस पैराग्राफ में सुश्रुता के बारे में. देखो, हिज फेमस वर्क लिखा हुआ है, सुश्रुता लिव्ड एंड प्रैक्टाइज्ड हिज आर्ट इन प्रेजेंट डे वाराणसी. वाराणसी में थी, सर्जिशियन थे वो, सर्जरीज करते थे वो. ठीक है, इन हिज फेमस वर्क सुश्रुता संहिता ही डिस्क्राइब्ड ओवर 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. ये एक वर्क था जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया गया था. कोई ऐसी चीज ही होगी, कोई बुक होगी जिसमें वो कुछ लिखेंगे, कुछ बताएंगे अपना. क्या बताया था उन्होंने? 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था. सुश्रुता संहिता में दिया था, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ए पार्ट. क्लियर? फर्स्ट का आंसर अभी भी नहीं मिला, छोड़ो इसको एक बार. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है. डैश इज एन एंशियंट सिस्टम. एंशियंट का मतलब क्या होता है? ओल्ड. पुराना सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ओरिजिनेट इन इंडिया. जो इंडिया में बना था पुराना सिस्टम मेडिसिन का. देखते हैं हम, ये पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा था. देखो यहां पे, आचार्य चक्राणा वॉज नोटेड प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया, जो पुराने इंडिया में दिया गया था. तो आपको डायरेक्ट लाइंस नहीं दी होती, कई बार घुमा के लाइन दी होती है, बट मतलब उसका सेम होता है. ये किसने दिया था? आश्चर्य. तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है? आयुर्वेदा. आयुर्वेदा क्या है? कॉमा डाल के उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयुर्वेदा. क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, स्पेस की स्टडी. तो स्पेस के बारे में तो नहीं पढ़ रही, मेडिसिन की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? आयुर्वेदा. नेक्स्ट क्या, हु. हु मतलब कौन. हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन. फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन किसे कहा जाता है? देखो यहां पे, वाइडली नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन. किसके बारे में बात हो रही है?
आचार्य के बारे में ही हो रही है, तो उसी के बारे में ये पैराग्राफ है सारा, तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी इसी को बोला गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्यभट्ट केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ, क्या कंसेप्ट लेकर आया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देखो कहां पर है इस पैराग्राफ में, आर्यभट्ट वॉज अ रिन्यूड मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर, क्या था इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, देखो कमिंग अप कंसेप्ट वर्ड यहां पे आ गया, कमिंग अप विद अ कंसेप्ट ऑफ जीरो, किसका कंसेप्ट लेकर आए थे, जीरो का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। समझ गए, ये अपने मेन चीज देखनी है कि यहां पे किस चीज के बारे में बात करें, कंसेप्ट की, और किसके, आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट वाला पैरा देखो, उसमें कंसेप्ट वर्ड ढूंढो, मैच करो एंड फाइंड आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, मैच द नेम्स ऑफ पीपल इन कॉलम ए, कॉलम ए में आपको नेम दिए हुए हैं पर्सन के, उनको आपने मैच करना है, उन्होंने क्या काम किया था, विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए थे उनके साथ, उनको मैच करना है। देखो पहले ये चीज पढ़ लो, डिस्क्राइब्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स, सर्जरी किसने की थी, सर्जरीज के बारे में कहां पे बात हुई थी, ये देखो 120 सर्जरीज, मतलब इन्होंने की थी सर्जरीज, प्रोसीजर भी आ गया, ये देखो वर्ड, वर्ड मैच करो एंड लिंक बनाओ, किसका, सुश्रुता ने, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा सुश्रुता के ऊपर है, तो ये सुश्रुता ने किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बारे में बताया, आयुर्वेदा के बारे में किसने बताया था, यहाँ पे इस लाइन में है, मेडिसिन देखो, आयुर्वेदा किसकी बात हो रही है, आचार्य। ठीक है, तो किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ। नेक्स्ट देखो, कंडक्टेड द फर्स्ट एवर प्लास्टिक सर्जरी, दोबारा फिर सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी की ऑपरेशन मतलब, ठीक है, किसने की थी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी भी, देखो, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट प्लास्टिक सर्जरी, ये पहला आदमी था जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी, कौन, सुश्रुता, तो ये दोबारा फिर सुश्रुता के साथ हो जाएगा, बी पार्ट में भी सुश्रुता दिया हुआ, ई में भी दिया हुआ, तो इसको ई के साथ मैच कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो के कंसेप्ट के साथ आया, कौन आया था जीरो का कंसेप्ट लेकर, यहां पे भी पढ़ा था ना, कमिंग अप विद द कंसेप्ट ऑफ जीरो, कौन, आर्यभट्ट, तो यहां से सीधा भी लगा सकते हो आर्यभट्ट के साथ मैच सी, और यहां से भी देख सकते हो आर्यग्राफ, आर्यभट्ट वाले पैराग्राफ में दिया हुआ कंसेप्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं आपको डायरेक्ट नहीं बताई गई होंगी हर जगह पे बार बार नेम लिख लिख के, तो ये आपको खुद को यूज करना है अपना माइंड। ओके, नेक्स्ट देखो, कंक्लूडेड दैट द मून हैज नो लाइट, खुद की लाइट नहीं होती मून के पास, किसने बताया था ये चीज, देखो आर्यभट्ट वाले पैराग्राफ में, ये हमने ऊपर वाले पैराग्राफ तो सारे पढ़ लिए थे, यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही थी, यहाँ पे सर्जरीज के बारे में बात हो रही थी, और इस पैराग्राफ में मैथ के बारे में बात हुई है पहले, उसके बाद देखो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वाले केस में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वन टू प्रपोज दैट द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ जो है एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, एंड कॉजेस डे एंड नाइट, इस क्वेश्चन को ढूंढने वक्त हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है, देखो ये डायग्राम में क्या था, अर्थ के बारे में, अर्थ है, रोटेशन शो हो रही है, डे एंड नाइट बन रहा है, देखो एक साइड नाइट है एक साइड डे है, यहाँ पे पूरा डे नाइट हो गया, देखो ये रोटेशन हो रही है मतलब, तो ये क्या आएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ किसने बताया, ये आर्यभट्ट ने, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्यभट्ट, ये आंसर भी मिल गया हमें। वहां में मून वाला आंसर देखो, कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड मतलब रिजल्ट क्या निकाला, क्या रिजल्ट निकला, मून इज डार्क, डार्क मतलब अंधेरा है, एंड इट शाइन्स, शाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इसको सन की लाइट मिल रही है, मतलब इसकी खुद की लाइट नहीं है, तो यही इन्होंने बोला हुआ है, तो किसने बताया, ये आर्यभट्ट ने, एफ के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट देखो, डेवलप्ड क्योर्स दैट आर रिलक्टेंट टू दिस डे, क्योर्स मतलब किसी चीज को रोकना, प्रोटेक्ट करना, जैसे कोई चोट लगी होती उसको क्योर करना, ठीक करना। ठीक है, किन्होंने किन्ने बताया था, ये देखो मेडिसिन वाले केस में ही होगी ये चीज, दिस हिज प्रिंसिपल क्योर एंड डायग्नोज होल्ड ट्रू इवन टूडे, अभी भी सही है वो, जो पुराने समय में उन्होंने मेडिसिन की रिसर्च की थी वो आज भी बिल्कुल सही है, तो यही चीज बोली है, रिलक्टेंट टू दिस डे, रिलक्टेंट मतलब सही है आज के दिन के लिए भी, क्या चीज किसने बोली है, ये आश्चर्य, तो इसके साथ आ जाएगा यहां पे देखो। ठीक है,
डी के साथ। तो क्या आंसर्स आ गए इसके, ये चेक कर सकते हो आप। पहले देखो इसके आंसर्स, क्लियर है? आई होप आपको पता चल गया पैराग्राफ कैसे फाइंड आउट करना है। डोंट बी पैनिक, ना ही इसको लर्न करना है, याद नहीं करने बैठना है, इसको देखना है कि किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है हमने, ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ, खुद ट्राई करना सॉल्व करके देखना उसको। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।